Spicy for you? Yes, no spice, like nada. Yeah. I tried my best to keep it like very bland, very German. It's, if you serve this in India, this is like baby food. How was the food? Amazing. I'm the best chef or no? Yes, you're the best. We can post it in. तो भाई यहाँ पे तुम्हारे भाई ने आज पार्टी रखी थी घर के ऊपर, तो यहाँ पे सारे आए हुए हैं. यहाँ पे से कैथरीन, हाय हाय हैनो, हेलो हैनो, हाय. तो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने आज बनाया था चिकन, क्रीम चिकन, टेस्टी चिकन. That's the problem with it. Okay, so your boy made like two kind of chickens. One is the Malai chicken, cream chicken, and one is the normal chicken curry. Well, that's and not spicy at all, the cream chicken. That's not spicy? Yeah, but when you eat the whole plate. Spicy for you? Yes. I don't feel. No, but not from one bite. I feel no spice, like nada. Yeah. Okay. Well, Peter, eat the whole. देखो भाई यहाँ पे तो spice वाला लफड़ा है भाई. मैंने तो अपनी तरफ से पूरी को. I tried my best to keep it like very bland, very German, very. I'm Russian. It's, if you serve this in India, this is like baby food. तो भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है भाई. अब Julius. Spicy? No spicy? On point? This is spicier than this. Okay. You find this one spicy? Yeah, it's burning more than this. Ah! I like this one more. This is that one, okay. 11 out of 10. 11 out of, okay. Yeah, okay, I should take this one. I know, I don't feel anything. तुम भाई एक ही रूम में. I'm super sensible. Sensible and sensitive. But I think Catherine will try this and she'll be. She'll have a good time. But Hanno, was it spicy for you? Nah. No? It was like salzig, like a little bit. You could taste the spices, but not spicy. Ah, okay. I mean, it's an Indian dinner, right? And Indian dinner with all the spices? Not happening. Hello. How was the food? Amazing. I'm the best chef or no? Yes, you're the best. मैं कैमरा खोल के अपनी तारीफें करवाता हूँ. ओपन यूलिया, व्हिच वन इज द बेस्ट वन, लाइक दिस वन और दिस वन? एक्चुअली या आई थिंक दिस वन इज बेटर बिकॉज़ इट्स अ बिट स्पाइसियर. दिस वन? या आई फील लाइक ओके दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ओके ओके एंड दिस कुड हैव लाइक अ बिट मोर स्पाइसीनेस. नो दिस इज परफेक्ट. ओके इफ अ जर्मन इज सेइंग दैट इट कुड हैव बीन लाइक मोर स्पाइसियर, आई फील प्लीज्ड. ओके बिकॉज़ एज एन इंडियन आई हैव डम इट डाउन अ लॉट. ओके गजल, यू आर फ्रॉम वेयर? China. Which one you like the most? I haven't tried this one. No. Okay, but you like this one or no? Yeah, but yes, I like this one. Okay, perfect. तो यहाँ पे housewarming party आज थी तुम्हारे भाई की. बहुत सारे 11 लोग आए भाई. 11 लोगों के लिए खाना बना रहा हूँ. सुबह 10 बजे अभी रात के 9:20 हो चुके हैं. यहाँ पे रोटी तो तुम्हारे भाई को बनानी आती नहीं है, तो ये टॉटिलास को ही रोटी बनाया हुआ है तुम्हारे भाई ने. बट मज़ा आ गया भाई आज सुबह से लगा हुआ, बट अच्छा लगता है यार ऐसे मैं खिलाता हूँ लोगों को. गुड गुड गुड. मैं हॉबी शेफ हूँ, जो बनाता हूँ वो पूरे दिल से बनाता हूँ मैं. द रेड वन? या सो रेड वन वाज योर फेवरेट. योर्स वाज द रेड वन. योर्स स्टिल द अदर वन. द वाइट वन योर्स? आई कैन डिसाइड, दे वर बोथ सो ग्रेट. ओके, यू आर रेसिस्ट, यू लाइक द वाइट. दैट्स सो मच प्रेशर. इन हिंदी यू से मजा आया. मजा, व्हाट डज इट मीन? इट मींस इट वाज फन. कुन कुक कुन. मजा आया. मजा मजा. वही यहाँ पे आज हम आए इंडियन स्टोर पे कड़ी पत्ता लेने, मिर्ची लेने, मैगी लेने और थोड़ा सा खट्टा लेने, क्योंकि कुनाल को खट्टा खाने का मन कर रहा है. मैं पेट से हो गया हूँ अभी. पेट से करता हूँ मैं. आशीर्वाद आटा 12 यूरो का. वो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने जिम कर लिया है, बाल बाल पूरे गीले हैं. आज तुम्हारे भाई ने 15 मिनट का सोना किया और 45 मिनट अच्छे से स्विमिंग की, लैप वैप मार रहा था. और स्विमिंग बताऊँ मुझे बचपन से काफ़ी पसंद है, मतलब सही है, मतलब बहुत सही, मतलब मज़े में कैलरीज कट हो जाती हैं. ऊपर से 12th के जब बोर्ड्स मैंने दिए थे ना, उसके बाद तुम्हारे भाई का वेट हो गया था 94 किलोज़. और कॉलेज जाने से पहले जैसे बोर्ड ख़त्म हुए, फिर उसके बाद आई थिंक कॉलेज जाने में और उसमें 2 या 3 महीने का गैप होता है, तो उसमें मैंने स्विमिंग ज्वाइन की थी. एंड उस टाइम पर 94 किलो से तुम्हारा भाई
79 आ गया था विद इन अ स्पैन ऑफ वन मंथ. मतलब मैं ये कहूँगा हेल्दी वे तो नहीं था वेट लॉस करने का, बट पतला तो हो गया था उस टाइम पे. मैं बहुत तगड़ा भाई मोटा हो गया था. पता नहीं मेरे पास उस टाइम की पिक्चर होगी तो मैं यहाँ डाल दूंगा, नहीं होगी तो ऑफकोर्स होगी, वैसे कोई ना कोई होगी, बट ढूंढनी बहुत ज़्यादा पड़ेगी गूगल ड्राइव में. बाकी तो भाई मज़ा आ गया, सुबह की शुरुआत अच्छी होगी. एक घंटे के अंदर 15 मिनट सोना, 45 मिनट स्विमिंग, फिर नहा के बाहर. यहाँ से जब तुम्हारा भाई भी जिम से बाहर निकल रहा था ना, तो जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट खड़ी होती है वो कहती है स्पेटर, तो स्पेटर मतलब सी यू लेटर होता है. जैसे यहाँ पे तुम देखते हो ना बर्लिन के अंदर स्पेटी होती है, स्पेटी मतलब लेटर, क्योंकि वो लेट नाइट तक शॉप खुली रहती है. ये मैं थोड़ा बहुत जर्मन ज्ञान बांट रहा हूँ, पर ज़्यादा है नहीं मेरे पास, तो इसलिए जितना है वो दे रहा हूँ मैं. जब और आएगा तो और दे दूँगा, मैं देता जाऊँगा. बट तुम सब्सक्राइब कर दो बस यार. सब्सक्राइब मैं देखता हूँ 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ भाई. 30% लोग देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, 70% सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि मैं गालियाँ देता हूँ इसलिए. नहीं, गालियाँ कभी फ्लो फ्लो में निकल जाती है भाई. वो मुझे पापा ही बोलते हैं मत दिया कर. पता नहीं यार, जब व्लॉग बना रहा होता ना तो बड़ा फ्लो में होता हूँ मैं, तो निकल जाती है फिर बाद में. ऊपर से देता भी इतनी सारी हूँ कि बाद में जब पोस्ट एडिटिंग बैठता हूँ तो इतने सारे बीप लगाने पड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है. तो या तो देनी बंद करूँ या बीप ज़्यादा लगाऊँ, सोचना पड़ेगा अभी. तब तक सोचता हूँ तो तुम सब्सक्राइब करो. तुम व्लॉग्स देखते हो ये अपनी फैमिली के साथ देखते हो या अकेले बैठ के देखते हो? क्योंकि मुझे काफ़ी सारे DM आ रहे होते हैं, भैया यार गाली मत दिया करो, फैमिली के साथ बैठ के देख रहे होते हैं. कुछ लोग तो ऑफेंड होते हैं, भाई मम्मी पापा के साथ बैठ के देख रहा है, तूने गालियाँ निकाल दी. तो गाली निकालूँ या ना निकालूँ? वैसे तो टेक्निकली नहीं निकालनी चाहिए, बट तुम बताओ. आज तुम्हारे पास नीचे कॉमेंट खुला पड़ा है, बताओ उसमें. बाकी भाई तुम्हारा यहाँ पे भाई पिएगा दूध और केला. दूध केला सही रहता है भाई, कोई मेहनत नहीं है. यहाँ पे पीछे किचन अभी देखो, रात का खाना जो बना हुआ गंदा पड़ा हुआ है. ताकि यार आज फाइनली ना मैं सोच रहा हूँ दाल और बाड़ी दाढ़ी कटवा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं. तो भाई यहाँ पे ऋषभ भाई हमें बहुत दिन से बोल रहे थे कि यहाँ पे चलना. तो आज हम फाइनली आ चुके हैं. जगह का नाम क्या है? WDIMBS. तो ये कुछ ऐसा दिखता है, नान है, और ये क्या है? चिली सूप. और ये मेरा दाल सूप है, और ये नान है. देख के बताते हैं इनिशियल बाइट्स. तुम भी देखो भाई, ये चीज नान है, ऐसी डिप मार लेता हूँ. अपने दिल्ली वाले और पंजाब साइड में होता है ना अमृतसरी कुलचा, बिल्कुल वैसा है. और एक्चुअली में अच्छा है, तेरा वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये सांबर टाइप से. इसका नाम बता दे एक बार, इसका नाम क्या था? WDIMBS. कौन सी स्ट्रीट पे है? रस्तारी नाले. मैं लोकेशन डाल दूंगा. बहुत सही था. मतलब भाई जो नान की क्वालिटी थी ना भाई, इसकी और मेरी भी, वो ऐसे थी जैसे मेरे घर के पास एक अमृतसरी कुलचा वाला था, बिल्कुल वैसे क्वालिटी वाले नाम थे, और बॉयलिन के अंदर मिल रहे हैं. 3-4 यूरो का ही तो था भाई. मैं बताऊँ, सोच रहा हूँ अगली बार आके सिर्फ चीज़ नान ले लूँ. यहाँ पे अभी हम जहाँ से खाने गए थे, हम यहाँ से थोड़ी सी एक वॉक ले रहे थे अपने नेबरहुड में. तो इसका एक ही कंक्लूजन है, जो क्रॉइसबर्ग था वो थोड़ा सा हिप्पी वाइब देता है ना, थोड़ा सा वो हिप्पी, और वहाँ पे ड्रग कल्चर भी ज़्यादा था. यहाँ पे क्या, थोड़ी फैमिलीज रहती हैं, थोड़ा सा मतलब एलिवेटेड है एरिया ये ना. बच्चे ज़्यादा हैं, हाँ कपल्स बच्चे ज़्यादा हैं उस वाले में, सारे वो थे. और यहाँ पे घर तो देखेगा वो भी थोड़े से, हाँ कपल्स के लिए ही ज़्यादा बने हुए हैं. हाँ बट कोई नहीं भाई, मैं सिंगल हूँ, तो कोई लड़की देख रही है तो हम प्रिंस आवर बगल मूव हो सकते. ये तो शादीशुदा है. भाई मैं ऐसे को छेड़ता रहता हूँ, शादी से पंगे ले रहा था, उसको सीरियसली मत लेना कभी भी. आज से थोड़े टाइम पहले हमने बनाई थी हमारे जर्मनी में आस पड़ोस की वीडियो. अब टाइम आ गया दूसरा आस पड़ोस की वीडियो बनाई जाए. ये वाला वो वाला जो आस पड़ोस था वो क्रॉइसबर्ग था, ये है आस पड़ोस प्रिंस लावर बर्ग. बर्ग बर्ग या बर्ग? बर्ग माउंटेन. प्रिंस लावर बर्ग. बर्ग फ्लैट लिए हुए, आई थिंक कुछ 3 या 4 दिन हुए हैं. 4 दिन हो गए ना. 4 दिन हम पहली बार आज खाना बाहर खाने गए थे. तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से हर ब्लॉग में बोलने के बाद कि आज मैं दाढ़ी बाल कटवाऊंगा, आज मैं फाइनली कटवाने जा रहा हूँ मेट्रो में. एंड 2 स्टेशन दूर है, यानोविक ब्रूखे में है. जिन्होंने पुराने ब्लॉग्स देखे उनको पता होगा कौन सी शॉप है, तो मैं वहीं से ही कटवाता हूँ हर बार. तो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने निकाल लिए हैं 30 यूरो, 15 यूरो दाढ़ी के, 15 यूरो बाल के. यहाँ पे तुम्हारे भाई का हो चुका है फ्रेश कट, फ्रेश ताज़ा कटा है अभी. ठीक ही लग रहे हैं, मतलब आज जिससे मैं हर बार कटवाता हूँ ना, वो किसी और के काट रहा था, दूसरा बंदा आगे स्टेप इन कर गया. मैं कहा चल कोई नहीं भाई, अब
बहुत टाइम बाद मुहूर्त निकला, सही है भाई, अब घर चलते हैं, नहाते हैं, फिर उसके बाद एक मीटिंग पे जाना है तुम्हारे भाई को 6:30। एक मिनट टाइम क्या हो रहा है, ओ भाई 6 बज गए भाई, आधा घंटा तो घर पहुंचूंगा, फिर नहाऊंगा आधा घंटा, 7, फिर आधा घंटा जाने में, 7:30, ऐसे जा नहीं सकता भाई, ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगा, चुभते रहेंगे, बाल चुभते रहेंगे, तो नहा के तो जाऊँगा, चल लेट पहुँचूँ बट ऐसे नहीं जाऊँगा। ठीक भाई, ये कुछ हो रहा है सनसेट, ये है यानोविक ब्रूखे की झील, यहाँ पे खड़ी है साइकिल और तुम्हारे भाई का मन कर रहा है साइकिल को नीचे फेंकने का, बट नहीं फेंकेंगे भाई, हम बड़े हो चुके हैं, कभी कभी मन करता है भाई, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं दिमाग के अंदर, बट सनसेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो मीटिंग में तुम्हारा भाई गया ही नहीं, यहाँ पे रेडी वेडी होके अब यहाँ पे शुक्ला के साथ मैं आया हुआ हूँ, घर का वॉशिंग मशीन लेने, वॉशिंग का सामान लेने, सॉरी जो सस्ता हो भाई, कपड़े धुलाने, सेम ही प्राइस सेम प्राइस है, बट ये ज़्यादा बड़े सब